I'm Indrajit Ghosh, Global Chairman of MSME Chamber of Commerce and Industry of India. जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट वुमेंस डे की बात है, वी ऑल आर यू नो सेलिब्रेटिंग द वुमेंस डे फ्रॉम 8 मार्च ऑनवर्ड्स, बट अकॉर्डिंग टू मी यू नो एवरी डे एवरी वीक एवरी मंथ इज यू नो वुमेंस डे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी वुमेंस आर मोर पावरफुल देन द मैन. They are taking so much responsibilities for the house, children, her own work, and as well as with the husband also. So they are doing more, you know, hard work than the men. And ये सोच कहाँ से आई? ये सोच तो था. देखिए, महिलाएं जो कमजोर है, जहाँ आपके बेशी ज़्यादा पढ़ा लिखे लोग नहीं हैं या लोग समाज से सारे एक्टिविटीज़ में जुड़े नहीं हैं, वो लोग बोलते रहते हैं. अदरवाइज अकॉर्डिंग टू अस वुमेन तो हमेशा ही पावरफुल है. जन्मदाता है सबसे पहले, उसके बाद अपना बच्चे को आप पालते हैं, उसके बाद आजकल तो वर्किंग वुमेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सो दे आर वर्किंग ऑल्सो. उसके बाद अपना जो चिल्ड्रन है उनके भी पढ़ाई वगैरह सब कुछ देखते हैं, तो दे आर डूइंग इन अ वेरी वेरी हार्ड वर्क. किसी कोई संदेह नहीं है कि वुमेन की पावरमेंट उनके नहीं है या कोई ऐसा कुछ बात मतलब वो है ही नहीं. ग्रामीण क्षेत्र की तरफ चले जाएं तो तमाम ऐसी तस्वीरें देखने के लिए जहाँ लगता है कि यहाँ ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट, जहाँ ज़रूरत है उनके सशक्त करने और उस सोच को बदलने. बिल्कुल आपने ठीक बात बोला, बट क्या है कि आजकल रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी अवेयरनेस चालू हो गया, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल यू नो एनजीओज आर आल्सो वर्किंग इन रूरल एरियाज़. इवन इन द यू नो बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते उनके पीरियड्स के टाइम, सो उसके लिए भी अवेयरनेस चल रही है. कई लोग उसका अपना गांव में जाके अपना बच्चों को उनको जानकारी दे रहा है, और डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं है, बट इट इज़ यस इट इज़ इन अ स्लो पेस, बट अवेयरनेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द रूरल एरियाज ऑल्सो. सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हुई हैं, तमाम कानून बना दिए हैं, लेकिन अगर बात अपराध की करें महिलाओं के प्रति, तो उनमें ग्राफ घटता हुआ नज़र नहीं आता. उसके पीछे के कारण ये एक बहुत बड़ा समस्या है, एंड इसमें मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो आपको पालन पोषण होती है फैमिली में, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली. मतलब वुमेन को सम्मान देना, जो नारी है उनको रिस्पेक्ट करना, वो चीज़ अगर जिन लोगों ने छोटे उम्र से करते हैं उनके लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर आर सर्टन अदर पीपल ऑल्सो. इवन आपको मैं बताता हूँ, जो को एडुकेशन स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अदर स्कूल्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी दिखाई देता है कि थोड़ा बहुत कमियाँ रहती है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द यू नो सोसाइटी का जो सभी लोगों की जो इमेज है, एंड अपना फादर मदर की जो शिक्षा होती है या परिवेश जैसा होता है, परिवेश के ऊपर भी डिपेंड करता है. इस परिवेश में बदलाव कैसा है, क्योंकि जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक बदलाव हम बिल्कुल सही बात है. इसके लिए एडुकेशन का ज़रूरत है. आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है, आप देखिए, इवन कृषक होगी या अपना लोअर कैटेगरी के जो पीपल हो, वो भी अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहा है. एवरीबडी इज द नेक्स्ट जनरेशन, दे आर यू नो गोइंग टू स्कूल. सो जितना पढ़ाई लिखाई होगी, सभी लोगों से मिलना जुलना होगा, समाज में आना जाना है, तो धीरे धीरे ये लोग से क्या बदलाव तो आएगा, बट इट विल कम यू नो नॉट वेरी फास्ट मैनर, स्लो मैनर. बदलाव तो आ ही रहा है और आएगा आगे.